गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। सोलन में रामपुर के युवक से पकड़ा 37.77 ग्राम चिट्टा, इस बहरूपिये ने तो कमाल कर दिया। बिलासपुर में किसी के लिए मजा तो किसी के लिए सजा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का दून पहुंचने पर जोरदार स्वागत, बिंदल बोले मिशन रिपीट को जुट जाएं कार्यकर्ता। अरब समाचार विस्तार से। सोलन पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़े अभियान के तहत एक और तस्कर को दबोचा है। रामपुर बुशहर क्षेत्र का रहने वाला यह सौदागर सोलन में किराए का कमरा लेकर रहता था। पुलिस ने जब कमरे में रेड की और तलाशी ली तो उसके कब्जे से 37.77 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। एएसपी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस नशे के सौदागरों को किसी भी सूरत में बख्शने नहीं वाली है, यह अभियान लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज। हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दीपक नाम का बहरूपिया आजकल गोपालपुर नगरी कलूंड में अलग अलग रोल से लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है। दीपक ने आज भोले बाबा के रोल में लोगों को काफी आकर्षित किया। दीपक ने बताया कि यह हमारा खानदानी पेशा है तथा 20 वर्षों से हिमाचल, पंजाब व JNK में हिंदू संस्कृति को संजोए रखने व रोजी रोटी के लिए यह काम कर रहा है। कर जाए शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, हरि के मोजे को ना तंकर, तीन नेत्र है तीन विशाल, गले में सोएंगे रुनमाल, बम बम बोले का रूप निराला, हाथ में देखा तो तरसुल है निराला। यह कैलाश पर्वत के वासी हैं और सदा निवासी हैं और दिल की दुग्धा दूर करने वाले यह शिव भोले अविनाशी हैं। खाने के लिए भंग, पीने के लिए गांजा, ओडन के लिए बागम्बार, जय शिव भोले, जय शिव भोले, और कैलाश के वासी सदा निवासी और दिल की दुग्धा दूर करेंगे शिव भोले अविनाशी। ये मुझे यहाँ पे रहते हुए 20 साल हो गए हिमाचल में, और ज़्यादा करके मैं हिमाचल, पंजाब और JNK में स्टेट में ही आता हूँ, और बाकी और स्टेट में भी और बंदे जाते हैं, पर मेरा यही काम है बहरूपिये का। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, नाम मेरा दीपक है, पापा का नाम कैलाश चंद है, गांव मेरा पलसाना है, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ, जिला सीकर राजस्थान का। बिलासपुर शहर के वार्ड नंबर 4 में श्री कलगीधर गुरुद्वारा के साथ स्थित नगर परिषद के रेस्ट हाउस से निकलने वाली गंदगी दुकानदारों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। यहां होने वाले शादी समारोह के बाद गंदगी सड़क व नालियों में बहनी शुरू हो जाती है, जिससे रेस्ट हाउस के साथ बनी दुकानों के बाहर गंदगी फैलना आम बात है। गंदगी के कारण यहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या को लेकर नगर परिषद को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन कोई हल नहीं हो पाया है। उधर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि समस्या ध्यान में है, जिसके हल के लिए JEE को निर्देश दिए गए हैं। नालियों में गंद को फंस जाता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत भी होती है और वहाँ पे किसी बीमारी का होने का अंदेशा भी होता है, वो मेरे नॉलेज में है और पहले भी इसके बारे में मुझे कंप्लेंट वहाँ के बासिंदों ने की थी। तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि मैंने अपने जो हमारे JEE साहब हैं उनको बोल दिया था कि इसका एस्टिमेट बनाएं, और वहाँ पे एक जो रेस्ट हाउस का काम हमारा लगने जा रहा है उसके अंदर मैं सोप पिट निर्माण का भी टेंडर जो है लगा रहे हैं। जैसे सोप पिट निर्माण हो जाएगा वहाँ पे तो ये गंदगी सारी उसी में अंदर ऑब्जर्व होगी और बाहर नहीं आएगी, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखा है और भविष्य में इसको शीघ्र ही इस कार्य को करवा दिया जाएगा। वहाँ पे आए दिन MC के रेस्ट हाउस में शादियाँ होती हैं और उसका जो कचरा है वो यहाँ पे सड़क पे बहा दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पे चलने वाले जितने भी राहगीर हैं उनको मुश्किलें आ रही हैं, और यहाँ पे रोड पे जितना भी कचरा है यहाँ पर गंदगी पैदा कर रहा है, मक्खी मच्छर, और यहाँ के नालियाँ देखेंगे आप, सारी नालियाँ कूड़े से भरी हुई हैं, और रास्ते में घी और दालों का गंद, यहाँ पे बहुत ही चलने फिरने वाले लोगों को परेशानियाँ पैदा कर रहा है।
इस बारे में पहले हमने नगर परिषद के जो ईओ मैडम हैं उर्वशी वालिया जी, उनसे भी इसकी शिकायत की थी, पर फिर भी इसके ऊपर कोई इन्होंने कार्यवाही नहीं की। अतः मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसके ऊपर कोई कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जाए। नालियों और इसकी वजह से बहुत आने जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है। इसकी वजह से यहाँ पे मक्खियाँ मच्छर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इतनी यहाँ पे इतनी स्मेल है कि यहाँ पे चलना और दुकानदारी करना बहुत मुश्किल है। और बिलासपुर शहर वासियों के लिए एक जरूरी सूचना, शहर में पावर कट, दोपहर 2 बजे के बाद बहाल होगी बिजली। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब एनआर अस्पताल में फेको तकनीक से मोतियाबिंद के ऑपरेशन शुरू। इसके अलावा अन्य कई सुविधाएं जैसे बिना इंजेक्शन व चीरफाड़ के किए जाएंगे ऑपरेशन। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद गुलेरिया करेंगे इलाज। 30 नवंबर से अस्पताल में शुरू होगी आई ओपीडी। आंखों का होगा कंप्यूटराइज चेकअप। हर शनिवार व रविवार होंगे आंखों के मोतिया के ऑपरेशन। अस्पताल में मोतिया के साथ ही आंखों के अन्य ऑपरेशनों की भी मिलेगी सुविधा। इसके अलावा एनआर अस्पताल में गायनी, मेडिसिन, आर्थो, चाइल्ड सर्जरी व न्यूरो सर्जरी की ओपीडी, आईपीडी, 24 घंटे आपातकाल, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डिलक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर बिलासपुर के इन नंबरों पर संपर्क करें। 9816142532, 9736514253, 7807161646। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेशाध्यक्ष बनने के उपरांत पहली बार दून विधानसभा में पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के जिला स्तरीय अभिनंदन समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिला सोलन के 5 मंडलों दून, नालागढ़, अर्की, कसौली और सोलन के मंडलाध्यक्ष व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कार्यकर्ताओं के बूते ही पार्टी ने यह सम्मान हासिल किया है। बिंदल ने कहा कि कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़ हैं और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एकजुट होकर काम करें। बिंदल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी 440 सांसदों के साथ देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस आज 40 सीटों पर सिमट कर रह गई है। उसका सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की अनदेखी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह एकजुट होकर सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाएं और पंचायत चुनावों के बाद मिशन रिपीट की तैयारी में जुट जाएं। तो जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ, मिलते हैं अगले बुलेटिन आज दोपहर हिमाचल में।